हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लेज। कहानी की शुरुआत होती है सोफी और कैली नाम की दो लड़कियों से जो बचपन से ही एक साथ राज यहाँ वो टेक्सास में माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई हैं। तभी हम उनके कॉटेज के बाहर एक कार को रुकते हुए देखते हैं जिसमें से चार लड़के उतरते हैं और ये भी काफी पुराने दोस्त हैं। तभी उनमें से जॉश नाम का लड़का सोफी को देख लेता है और फौरन उसके पास जाकर आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो वो हाँ कर देती है क्योंकि वो नेचर से काफी फ्रैंक थी और उसे नए लोगों से मिलना भी पसंद होता है। लेकिन कैली जोश से मना कर देती है जिस वजह से सोफी भी ना कर देती है। उधर तीनों दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहे, हमें ऐसे हर साल नहीं मिलना चाहिए, आखिर कब तक ऐसे हम खुद के अंदर गिल्ड को छुपा कर रखेंगे। अब उनकी ये बात सुनकर हमें इतना तो पता चल रहा था कि ज़रूर इनके पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो अभी इन्होंने छुपा कर रखे। तभी वहाँ जोश आता और इन लोगों से पूछता है कि क्या बात चल रही है, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। तभी बातों बातों में वो टेलर को कुछ ऐसे राज के बारे में बोलने ही वाला था कि जिससे कि उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे छुड़ा लेते हैं और ये सब चीज़ों से साफ पता चल रहा था कि ये तीनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। लेकिन हर बार जोश इन्हें साथ ले आता है ताकि इनके बीच की दूरियाँ खत्म हो सके। अब ये सब के पीछे कहानी क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ से हम चलते हैं सोफी के पास जो कैली से जोश के बारे में बात कर रही थी। उसे वो अच्छा लगता है इसलिए क्यों ना हम रात में उसके साथ डिनर करते हैं, वो ये बोलती है। लेकिन वो ऐसे अनजान लोगों के साथ हैंग आउट करना नहीं चाहती, पर सोफी के बार बार कहने पर वो मान जाती है। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता और सभी लोग डिनर के बाद एक साथ बैठे होते हैं। सभी एक दूसरे के प्लान के बारे में पूछते हैं तो कैली बताती है कि कल हम लोग उस पहाड़ पर चलने वाले हैं बिना ट्रेल की मदद से। अब ये सुनकर टेलर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पहाड़ की लंबाई 10,000 फीट से भी ज़्यादा है। लेकिन वो इनकी हिम्मत को सलाम करता है। इसके बाद सभी अपनी अपनी कहानियों के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन कैली की बारी आने पर वो उठकर चली जाती है क्योंकि वो किसी से भी अपने पास्ट को शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जाते जाते जोश उसका हाथ पकड़ लेता और यहाँ में वो कैसा इंसान है ये पता चलता था। अब कैली उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। वो चुपचाप कॉटेज में जाकर रुक जाती है और अपने बॉयफ्रेंड लूका की वीडियोज़ देखना शुरू कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो उसे मिस कर रही है। उसकी वजह से कैली आज यहाँ पर आई है क्योंकि उसने ही इसके अंदर ये जज्बा डाला है और इसे सिखाया था कि कैसे इतने बड़े पहाड़ को बिना किसी सपोर्ट के चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सोफी और सभी लोग चिल कर रहे थे, लेकिन बीच में चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है जैसे कि जोश सोफी के करीब आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये बात उन तीनों को पसंद नहीं आती, वॉशरूम के लिए चली जाती है। तब रेनल कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और उसे तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी भी होने वाली है। लेकिन वो उन्हें उल्टा जवाब ही दे देता और जाकर सोने को कहता, जिसके बाद वो खुद सोफी के पीछे पीछे जाने लगता है और वहाँ जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन अब वो यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ सोफी की चीख सुनकर टेलर रेनल्ड सभी जोश के पास आते हैं और उसे पीछे करते हैं। अब जोश के सर पर भूत सवार हो चुका था। यहाँ सोफी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो जंगल की ओर अंदर भागना शुरू कर देती है। इन चारों को अब इस बात का डर सता रहा था कि कहीं जाकर वो पुलिस को इनके बारे में ना बता दे और इसीलिए ये इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सोफी जाकर एक खाई के पास रुक जाती है क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं था। तब टेलर आकर उसे शांत कराता है, लेकिन वो उसके हाथों को बाइट कर लेती है और उसकी चीख सुनकर कैली की नींद खुल जाती है। उसके दांतों पर एक पंच मारता है लेकिन इसमें उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक खाई में गिर जाती है। यानी कि यहाँ पर सोफी की हालत और ज़्यादा बुरी हो गई है और ये एक बुरा संकेत है इन चारों के लिए। अब सभी नीचे जाते हैं जहाँ सोफी अपनी धीमी आवाज़ में मदद मांग रही थी। रेनल्ड टेलर से फ़ोन मांगता है ताकि वो मदद को बुला सके क्योंकि वो उसकी मदद से बच सकती है। लेकिन टेलर चुपचाप खड़ा रहता है और ये देखकर रेनल्ड हैरान था। यहाँ जोश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर हेल्प बुलाई गई तो जोश और टेलर बुरी तरह से फंस जाएंगे क्योंकि सोफी के दांतों पर लगा हुआ है टेलर का खून और नेल्स के अंदर है जोश की स्किन। अगर इसका राज खुला तो ये चारों ही फंसेंगे, इसलिए वो कहता है कि हमें इस लड़की को यहीं ख़त्म करना होगा ताकि सबको यही लगे कि ये पहाड़ से गिर कर मर गई। और यहाँ रेनल को ये चीज़ सही नहीं लगती, वो बार बार कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार बच सकें, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि जो बात इन चारों को खा रही थी वो ये थी कि इन्होंने कुछ सालों पहले एक और इंसान का खून किया था और उसमें ये पकड़े नहीं गए और अब जोश का मानना है कि वो इस बारी भी बच जाएंगे। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि कैली पहुँच गई है और उसके हाथ में एक कैमरा है जिससे कि वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। अब जोश एक पत्थर उठाता है और सोफी का मुंह कुचल देता है, लेकिन यहाँ भी ये काम वो अकेले नहीं करता क्योंकि इससे वो फंस जाएगा और वो सभी को ये करने को कहता है। चारों के करके उसके मुंह को कुचल देते हैं, अगर ये लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसे मारने के बाद ये लोग नीचे उसे खाई में फेंक देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कैली रिकॉर्ड कर लेती और तभी गलती से उसे आवाज़ निकल जाती है और ये सारे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, यानी कि अब उसका नंबर है क्योंकि वो एक अकेली गवाह है। अगर वो बच गई तो इनका फंसना तय है,
इसलिए जोश अब उसके पीछे पड़ जाता है उसकी जान लेने के लिए। अब वो भागना शुरू करती है, पर इतने में उसके हाथ से वो कैमरा गिर जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉटेज पे आ जाए या फिर अपने कैमरे को लेकर वापस आए। कैली ने दूसरा ऑप्शन को चुना, लेकिन इतने में वो लोग उसके करीब आते जा रहे थे, पर अंधेरे होने की वजह से वो एक जगह जाकर छुप जाती है और उनके जाने का वेट करने लगती। जोश सभी से कहता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। अब इसलिए सभी बिखर जाते हैं और इधर कैली धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही थी और फाइनली कॉटेज तक पहुंच जाती है। लेकिन बाहर उसे रेनल देख लेता है, पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वो उसे कुछ कहता नहीं और उसे कॉटेज के अंदर जाने देता है और कैली वहाँ से अपने सामान को लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद जब जोश वहाँ पहुँच जाता है और कैली के सामानों को ना पाकर उसे रेनल पर शक होता है कि उसने जानबूझकर उसे जाने दिया। उस समय के बाद उजाला हो जाता है और यहाँ हम कैली को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। सोचने वाली बात ये थी कि वो यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, ऐसे कब तक वो इनसे भागती रहेगी। अब इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। अब वो खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि जोश और उसके साथ ही उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन टेलर अलग ही जोश में होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके पास पहुंच जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। अब उसके कैमरे को झटके से दूर फेंक देता है, लेकिन जब वो उसके बैग पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पकड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया था और इस बात से उसके अंदर और गुस्सा आ जाता है और वो और फिर से चढ़ना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ कैली का सारा चढ़ाई का सामान नीचे गिर गया था, जिस वजह से अब ये चढ़ाई और मुश्किल होने वाली थी। पर यहाँ पर वो रुकती नहीं है और चलती रहती है। उसने एक बार फिर अपने कैमरा उठा लिया था, लेकिन अचानक से फिर टेलर उसके पैर को पकड़ लेता है। अब कैली भी उसे एक लात मारती है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा होशियारी सही नहीं है। अब उसके साथ ही उसे लेकर फौरन कॉटेज में आते हैं, क्योंकि वो आगे चल नहीं सकता। वहीं कैली को आराम करने का थोड़ा समय मिल गया था और सोचने का भी, वो अब आगे क्या करेगी। पर तब तक वो पानी पीती है और अपने शूज पहन लेती है, क्योंकि आगे का सफर अब और खतरनाक होने वाला है। उधर रेनल टेलर को विस्की के साथ कई सारे पेन किलर खिला देता है और कहता है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं लौटे तो तुम कॉल करके हेल्प बुला लेना। वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। ये लोग अपने गियर लेकर उसे फौरन उस जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ भी करके कैली को पकड़ना ही होगा। उसके पास कैमरा है जिसमें इनकी सारी करतूत है। तो जोश अपना प्लान बताता है कि हमें दूसरे रास्ते से ऊपर जाना होगा ताकि हम कैली से पहले ही ऊपर पहुंच जाए और उसे ऊपर आने पर मजबूर कर दें। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका ग्लव्स तो कॉटेज में ही रह गया। लेकिन यहाँ क्या आपको लगता है कि क्या सच में जोश ग्लव ही लेने गया था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं टेलर ने डर कर पुलिस ना बुला लिया हो, इसलिए वो फिर से वापस उसे मारने के लिए जा रहा है। अब काफी देर हो जाती है और वहीं रेनल जैक से कहता है कि क्यों ना हम पुलिस को जाकर सब कुछ बता दे और उनसे कह देंगे कि सोफी पहले से ही मरी हुई थी। लेकिन वो मना करता है क्योंकि उसके ऊपर जोश के बचपन से बहुत ही एहसान थे। और यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जोश ने बचपन में एक बच्चे की टांग तोड़ दी थी, जिस वजह से वो कभी चल नहीं पाया। यानी कि उसके गुस्से और बददिमागी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। काफी देर हो गई थी पर अब तक जोश नहीं आया था और इसीलिए जैक उसे देखने के लिए कॉटेज जाता है, पर जोश उसे गेट पर ही रोक लेता है और उसे वो अंदर जाने नहीं देता, जिसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है, हम एक बार फिर से कैली को देखते हैं जो मैप की मदद से ऊपर बढ़ रही थी, क्योंकि उसे इतनी ऊंचाई से ऊपर देखने में दिक्कत हो रही थी। वो रुक कर पानी पीती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो बॉटल छूट जाता है और जाकर नीचे गिर जाता है और अब उसे प्यास ही आगे बढ़ना होगा। उधर जोश वो पानी मिल गया था, जिसे पीकर वो उसे दिखाता है ताकि उसे कमजोर कर सके, और इतने में उसका सामना होता है एक सांप से जिसके वहां पर अंडे रखे हुए थे। लेकिन कैली हिम्मत नहीं हारती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है जब तक कि वो सांप वहां से चला ना जाता। अब आगे जाने पर वो एक जगह फंस जाती है जहां पर उसे दूसरी ओर जंप मारनी होगी, लेकिन उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। अगर उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो सीधा नीचे जाकर गिरेगी। तभी उसे लूका की सिखाई हुई ट्रेनिंग याद आती है और वो एक छोटी सी रस्सी से हुक को दूसरी ओर अटका देती है और अपनी तरफ वाले हुक को पकड़कर वो बड़ी आसानी से दूसरी ओर चली जाती है। अब यहाँ कुछ देर चढ़ाई करने के बाद कैली को एक पुराना टेंट मिलता है जो पहले किसी क्लाइंबर का हो सकता है। उसके रात बिताने का तो इंतजाम हो गया था, उसमें कुछ पानी की बॉटल भी मिलती और इसमें उसे कुछ पानी भी मिलता है, जिसे पीकर वो थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन उधर वो तीनों पूरी जान लगाकर चल रहे थे और फाइनली वो ऊपर पहुंच जाते हैं और अब वो कैली से भी ऊपर थे, वो उनसे जस्ट नीचे, यानी कि उसकी मुसीबत अब और बढ़ गई है। वो ना तो नीचे जा सकती है और ना ही ऊपर। ये बात जोश को अच्छे से पता था, इसलिए वो एक रस्सी नीचे फेंकता है और कैमरे के बदले मदद का ऑफर रखता है, लेकिन वो मना कर देती है और एक नोट उसे लिख कर देती है, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बिना कैली के नहीं जाने वाला था। वही टेंट लगाने को कहता है। अब उसके पास तो सभी इंतजाम थे, लेकिन नीचे कैली के पास एक फटा हुआ टेंट था जो बस एक क्लिफ के सहारे ही टिका हुआ था।
अगर जरा से भी कुछ गड़बड़ हुई तो वो सीधा नीचे। उसकी उंगलियों पे छाले पड़ चुके थे क्योंकि उसने बिना ग्लव्स की चढ़ाई करी थी, इसलिए वो उन पर टेप लगाती है, लेकिन इससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता। रेनल जैक से कहता है कि अगर वो कैमरा दे भी देती तो जोश उसे मार देता, और ये बात उसे अच्छे से पता थी, इसलिए उसने वो नोट ऊपर भेजी और वो पूरी हिम्मत से हमारा सामना करेगी। अब उसने वो टेंट लगा लिया और वो उसके अंदर बैठकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन जोश इतनी आसानी से उसे सोने कहाँ देगा। वो उसके फ़ोन में देखता है कि जिसे उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड लूका के लिए आई है, जिसकी ऐसे ही क्लाइंबिंग करते हुए मौत हो गई थी, इसलिए वह अब उसे लूका के नाम पर परेशान करने लगता है और उसे खाना दिखाते हुए टीज करता है। तभी वो कुछ नहीं कहती, इसलिए अब उसके टेंट पर एक बैग से हमला करने लगता है, जिससे वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि पूरा टेंट हिल रहा था। कुछ ही देर बाद वो टेंट टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस बैग पर लटक जाती है, और ये देखकर जोश रस्सी को काट देता है, लेकिन कैली की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो फिर से जाकर उस क्लिफ पर लटक जाती है और जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता और फिर जाकर टेंट में बैठ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कोई उसके टेंट को चीर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही था जो कि नीचे आ चुका था। वो उसके टेंट को गिराने की कोशिश कर रहा था, अब वो उसे लात मारना शुरू कर देती है, जिससे वो नीचे जाकर लटक जाता और उसके पैर पर चाकू घुसा देती है। उसकी चीख सुनकर जोश रस्सी को ऊपर खींचना शुरू करता है, जिसमें कैली भी ऊपर आने लगती है, लेकिन वो रस्सी को काट देती है, जिससे कि वो नीचे आकर फिर से क्लिफ पर अटक चुकी थी। पर इसी चक्कर में जोश के हाथ लग जाती है उसकी रिंग, जो लूका ने उसे दी थी। अब ऊपर जैक की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो कहता है कि हमें अब नीचे जाना चाहिए। उसकी बात से रेनॉल्ड भी सहमत था, इसलिए जोश मान जाता और कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर दूंगा, फिर हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन जैक को ऐसा नहीं लगता, इसलिए सबके सोने पर वो रेनॉल्ड को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि वो उसे चीट कर रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि उसने टेलर को मार दिया, और इसीलिए तुम अपनी घड़ी से इमरजेंसी सिग्नल दो ताकि हमें कोई बचाने आ सके। लेकिन जोश इनसे ज़्यादा चलाक था, वो इनकी सारी बातें सुन लेता है। यहाँ वो जैक के मुँह पर एक बात बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही रिलेशन में, वो भी 2 साल से। अब ये सुनकर जैक पूरी तरह से टूट जाता और उसके मन में अब गुस्सा भर चुका था, इसका बदला वो लेकर रहेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि अभी उनका सारा फोकस कैली पर है, जो नीचे अकेली बैठी हुई है। इसलिए जोश अब उसके पैसों का लालच देता है, पर वो कुछ नहीं बोलती, जिससे सभी सो जाते हैं। कुछ देर बाद जब जैक वॉशरूम के लिए उठता है तो जोश उसके सर पर वार करके नीचे गिरा देता है। वो जानता था कि आगे जाकर वो उसे धोखा देगा, और ये कैली देख लेती है, जिससे वो और ज़्यादा डर जाती है। कुछ समय के बाद रेनल की जब आँख खुलती है तो वो जैक के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो नीचे मदद के लिए गया है, और उसे यकीन नहीं था, इसलिए अब काफ़ी देर बीतने के बाद वो कहता है कि मैं खुद नीचे जाकर कैली से बात करूँगा। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो कैली उसे जैक के बारे में बता देती है, और ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कैली उसे एक प्लान बताती है कि मैं तुम्हें कैमरा दूंगी, फिर चिल्लाऊंगी, जिससे कि जोश को लगेगा कि मैं मर गई, वो तुम्हें ऊपर खींच लेगा, इतने में तुम टेलर को कॉल कर लेना। वेल, प्लान के हिसाब से ऐसा ही होता है, लेकिन ऊपर जाने में जोश देखता है कि उस कैमरे में मेमोरी तो है ही नहीं, और उधर जब रेनल कॉल करता है तो टेलर का फ़ोन जोश के पॉकेट में बजता है, जिससे कि उसे यकीन हो जाता है कि उसने जैक को मार दिया। इसलिए अब दोनों में हो जाती है लड़ाई, लेकिन जोश उस पर आसानी से काबू पा लेता है, और अब जोश सारी हदों को पार कर देता है। वो उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा देता है और नीचे सीधा फेंक देता है, यानी कि एक एक करके उसने अपने तीनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं नीचे कैली अब परेशान हो रही थी, उसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल को तो वो खुदकशी का भी सोचती है, लेकिन फिर उसे लूका याद आ जाता है, और वो दिन भी जब वो उसे लेकर यहाँ पर आया था। लेकिन जैसे ही वो उसे प्रपोज करने वाला होता है, उसी समय उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और इसीलिए वो आज के दिन यहाँ आई है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन उसे अभी भी राहत नहीं मिलती। यहाँ जोश अब अपना आखिरी फैसला करता है, वो रस्सी से नीचे आता और कैली को मारने के लिए, इसलिए कैली भी तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उसे वही सांप दिख जाता है। उधर जोश अब कैली के ऊपर वार करना शुरू करता है, जिसमें उसके पैर पर एक कट लग जाता है, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं था। इसलिए आखिर में जोश कहता है कि मैं तुम्हें रिंग दे रहा हूँ, तुम मुझे वो मेमोरी दे दो। वो मान जाती है और उसे एक होल दिखाकर कहती है कि वो मेमोरी वहाँ पर रखी है। जैसे ही वो उसे होल में हाथ डालता है, वो सांप उसे डस लेता है, जिससे कि वो और गुस्से में आ जाता है। अब वो कैली के ऊपर पागलों की तरह वार कर रहा था, लेकिन वो होशियारी दिखाती है और उसकी रस्सी को काट देती है, जिसके बाद होना क्या था, जोश अब लाचार की तरह लटक चुका था। अब वो कैली से खुद की जान की भीख मांगता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वो उसकी मदद नहीं करेगी और उसे वो रिंग छीन लेती है। थोड़ी देर होने के बाद उसका हाथ छूट जाता है और जोश भी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, यानी कि सीधा ऊपर। हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद सूरज निकलता है और कैली फिर से ऊपर चढ़ती है, और फाइनली ऊपर टॉप पर पहुंचकर वो लूका को याद करती है और उसके सपने को पूरा करती है, जिसके साथ ही ये कहानी ये खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।